हेलो फ्रेंड्स 1935 में जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया तो उस समय आर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अगर कोई भी बैंक लिक्विडिटी क्रंच फेस करता है तो वो आर से लोन ले सकता है इन लोन्स का टेन्यूर या ड्यूरेशन सिक्स मंथ से लेकर वन ईयर तक की हो सकती थी और ये लोन्स जिस इंटरेस्ट रेट पर मिलते थे उसे कहा जाता था बैंक रेट और इसी बैंक रेट के थ्रू आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया करती थी यानी बैंक किस इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे वो इस बात पर डिपेंड करता था कि बैंक्स को आर से किस परसेंट पर लोन मिलता है यानी बैंक रेट एक तरह से हमारी इकोनॉमी का एक रेफरेंस रेट बन गया था अगर आर बैंक रेट को बढ़ाती तो बैंक्स जिस इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को लोन देते थे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता और इसी तरह अगर आर बैंक रेट को घटाती तो कस्टमर्स को मिलने वाला लोन इंटरेस्ट भी घट जाता इस तरह आर ने बैंक क्रेडिट को अपनी की मॉनिटरी पॉलिसी टूल की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था ये स्थिति काफ़ी लंबे समय तक बनी रही इनफैक्ट 1991 में जब कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम जिसके चेयरमैन मैदाबलू नरसिम्हन थे उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही कि बैंक क्रेडिट को हमारी इकोनॉमी के एंकर के रूप में देखा जाना चाहिए और हमारी इकोनॉमी के सभी इंटरेस्ट रेट्स बैंक रेट से ही लिंक्ड होने चाहिए तो इन्हीं सब कारणों के चलते ईयर 2000 तक बैंक रेट आर की की मॉनिटरी पॉलिसी टूल रहा बट ईयर 2000 में आर ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एल को अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के की एलिमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब आर की मॉनिटरी पॉलिसी में जो रोल अब तक बैंक रेट का हुआ करता था वही रोल अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ही एक साथ मिलाकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एल कहा जाता है अगर ये जानना है कि आर ने ऐसा क्यों किया तो उसके लिए हमें बैंक रेट और एल के बीच में मेन डिफरेंस को समझना होगा और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बैंक रेट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट है बट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं तो अब यहाँ पर दो मेन क्वेश्चंस बनते हैं पहला क्वेश्चन ये कि आर ने क्यों ये डिसाइड किया कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी टूल का जो की एलिमेंट है वो लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट होना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर बैंक रेट आर की मॉनिटरी पॉलिसी टूल का एक की एलिमेंट नहीं रहा है तो बैंक रेट की आज की रेट में क्या सिग्निफिकेंस रह गई है तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को समझते हैं शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से यानी आर ने ये क्यों डिसाइड किया कि बैंक रेट की जगह अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर की मॉनेटरी पॉलिसी का की एलिमेंट माना जाना चाहिए देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि बैंक्स आर से लोन ले सकते हैं और ये लोन्स शॉर्ट टर्म के लिए भी लिए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बट अगर आप कंपेयर करें कि हमारी इकोनॉमी में बैंक्स आर से ज़्यादातर लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर ये बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म लोन्स के फॉर्म में होती हैं और इसके कई सारे कारण हैं पहला कारण ये है कि शॉर्ट टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म लोन्स की अपेक्षा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इनफैक्ट किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने शॉर्ट टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म लोन्स के कंपैरिजन में लोअर इंटरेस्ट पर ऑफर करता है और इसीलिए बैंक ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म लोन्स लेना पसंद करते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड होती है और इसीलिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स लगातार चेंज होते रहते हैं और बैंक्स की कोशिश होती है कि वो इन चेंजेस का एडवांटेज उठाएं इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि हर पंद्रह दिन में बैंक्स को अपने रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना होता है और उससे रिलेटेड रिपोर्ट आर के पास भेजनी होती है और इसके लिए उन्हें कई बार अनएक्सपेक्टेड बोरोइंग्स करनी पड़ जाती हैं इसके अलावा कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे कि बैंक रन या फिर अचानक से विड्रॉल डिमांड का बढ़ जाना इस तरह की सिचुएशन से बैंकस को लगातार डील करते रहना पड़ता है जिसके लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की ही ज़रूरत होती है यही कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर निर्भर करते हैं और सिंपल सी बात है कि अगर बैंक ज़्यादातर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं तो इन शॉर्ट टर्म बोरइंग्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके चेंजेस का इम्पैक्ट बैंक के लैंडिंग रेट पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म बोइंग के इंटरेस्ट रेट्स का इसीलिए आर ने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट्स की बजाय शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट्स के थ्रू ही वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करेगी और इसीलिए पिक्चर में आई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आरबीआई अपनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को एडजस्ट करके बैंक के लैंडिंग रेट्स को इन्फ्लुएंस करती रहती है और इस तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पहले से ज़्यादा एफिशियट होगा तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि क्यों लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट्स की अपेक्षा शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में ज़्यादा इफेक्टिव है अब देखना यह है कि बैंक रेट जो कि एक समय में की मॉनेटरी पॉलिसी टूल हुआ करता था उसकी आज की डेट में क्या औकात रह गई है तो ये तो फैक्ट है कि जब से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से बैंक रेट की जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी कम हो गई है बट अभी भी बैंक रेट को कुछ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है उनमें से दो चीज़ें हैं री डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा यूज़ है पेनल्टी रेट की तरह सबसे पहले री डिस्काउंटिंग क्या होती है इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए दो कंपनीज़ हैं ए बी सी और एक्सवाई जेड ए ने एक्स वाई जेड कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं जिसके बदले एक्स वाई जेड को एक लाख रुपए का पेमेंट करना है ए कंपनी को बट एक्स वाई जेड कंपनी ने कहा है कि वो ये पेमेंट दो महीने के बाद करेगी बट ए कंपनी को फंड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ऐसे में ए कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो बिल ऑफ़ एक्सचेंज को प्रिपेयर कर सकती है जिसमें ये सब डिटेल्स मेंशन की जाएंगी कि जेड कंपनी से उसे कितनी पेमेंट मिलने वाली है और ड्यू डेट क्या है ये बिल ऑफ़ एक्सचेंज ए कंपनी बैंक्स को देकर बैंक से इमीडिएटली पेमेंट ले सकती है बैंक ये पेमेंट एक डिस्काउंटेड प्राइस पर करते हैं अगर हम इस डिस्काउंटेड प्राइस को 10 परसेंट माने तो इसका मतलब ये होगा कि बैंक ए कंपनी को इमिडिएटली नाइन्टी थाउजेंड का पेमेंट कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि ए कंपनी को नाइन्टी थाउजेंड मिल चुके हैं और बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ चुका है तो एक्स वाई जेड कंपनी को अब एक लाख रुपये की पेमेंट ए कंपनी को नहीं बल्कि बैंक को करनी होगी हालांकि ये पेमेंट ड्यू डेट पर ही होगी अब बैंक के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि वो ड्यू डेट तक वेट करे और एक्सवाइजेड कंपनी से ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव कर लें और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आर बी आई को अप्रोच करें और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आर बी आई को देकर आर बी आई से इमीडिएटली इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर लें आर बी आई इस ट्रांजेक्शन में बैंक रेट के ऊपर डिस्काउंटेड अमाउंट कैलकुलेट करती है आज की डेट में बैंक रेट है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो एक लाख रुपये के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ इसका मतलब ये हुआ कि आर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले इस बैंक को नाइन्टी थ्री दे देगा और अब एक्सवाइजेड कंपनी ये एक लाख रुपये अपनी ड्यू डेट पर आर को देगी अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए कंपनी को इमीडिएटली कैश की ज़रूरत थी उसे इमीडिएटली कैश मिल गया बैंक ने यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफ़िट किया आर ने भी प्रॉफिट किया और उसे पेमेंट करने के लिए दो महीने की मोहलत भी मिल गई तो ये ट्रांजेक्शन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ इसी के साथ साथ आप बैंक रेट के सिग्निफिकेंस को भी समझ पाए होंगे आपने देखा कि आर ने डिस्काउंटिंग के लिए जिस इंटरेस्ट रेट को यूज़ किया वो बैंक रेट था इसे री डिस्काउंटिंग इसलिए कहा गया क्योंकि एक बार तो डिस्काउंट ऑलरेडी बैंक ने कर लिया था और ये दोबारा डिस्काउंटिंग हो रही थी सेम बिल ऑफ एक्सचेंज पर इसीलिए इसे री डिस्काउंटिंग कहा जाता है अब बात करते हैं पेनल्टी रेट की देखिए ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हर एक बैंक के लिए मैंडेटरी है कि वो सी और एस एल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें और हर एक बैंक को एस एल आर और सी आर आर डिटेल्स आर बी आई को रिपोर्ट करनी होती है हर पंद्रह दिन में बैंक अगर एस एल आर और सी आर आर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आर बी आई बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है और ये पेनल्टी रेट है बेस रेट प्लस एक्स परसेंट और ये एक्स क्या है ये आर बी आई खुद डिसाइड करती रहती है और इसको हमेशा चेंज भी किया जाता रहता है लेकिन आप देख सकते हैं कि पेनल्टी रेट को कैलकुलेट करने के लिए बेस रेट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बेस रेट को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है अब बस एक चीज़ और बाकी है जो आपको पता होनी चाहिए और वो ये कि ईयर 2012 में आर ने बेस रेट को एम रेट के साथ रीअलाइन कर दिया था जिसका मतलब ये हुआ कि बैंक रेट और एम रेट की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम होगी इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सावा की प्ले को फॉलो कीजिए इसके अलावा बुक्सता चैनल पर एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी की प्ले भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुस्तावा